हमला, कहा शराबबंदी के नाम पर बिहारियों को बना रहे तस्कर। चुनाव को देखते हुए एलजीपी अध्यक्ष चिराग पासवान का सीएम नीतीश कुमार पर हमला जारी है। पासवान ने इस बार हमला नीतीश कुमार के सबसे चर्चित फैसले शराबबंदी पर किया है। चिराग पासवान ने शराबबंदी फैसले की आलोचना करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, शराबबंदी के नाम पर बिहारियों को तस्कर बनाया जा रहा है। बिहार की माताएं बहनें अपनों को तस्कर बनते नहीं देखना चाहती। बिहार के मुख्यमंत्री के संग सभी मंत्रियों को पता है कि बिहारी रोजगार के अभाव में शराब तस्करी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सब के सब को मानो सांप सूंघ लिया हो। असंभव नीतीश, जाहिर है नीतीश कुमार शराबबंदी फैसले की वजह से प्रदेश की महिला वोटर्स को लुभाने में कामयाब होते रहे हैं। इसलिए चिराग पासवान ने इस बार उसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। अब तक शराबबंदी को लेकर सिर्फ जनता दल का रुख स्पष्ट है। जेडीयू का कहना है कि 2016 में लागू किया गया कानून आगे भी जारी रहेगा। पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि शराबबंदी नीतीश कुमार द्वारा लागू किया गया अभूतपूर्व कदम है। पहली बार किसी पिछड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस तरीके का साहस दिखाया है और शराबबंदी लागू करने का फैसला किया। स्पेशल डेस्क टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।